मेम साहब कपड़े। अरे क्या बात है कमला, आजकल तो तेरे रंग और रूप दोनों ही बदल गए। कोई लॉटरी वॉटरी तो नहीं लग गई? एरा मेरा बम्पर प्राइस ओसवाल सामू। अब धुलाई में मेहनत हो गई कम, सफेदी में आ गया दुगना दम। मेम साहब आपकी नहीं हम सबकी पसंद ओसवाल साबुन। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक और जहां विश्वव्यापी कोरोना महामारी का प्रसार देवगढ़ क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, वहीं देवगढ़ नगर पालिका के प्रशासक एवं कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों द्वारा लॉकडाउन की अवधि में किए गए श्रेष्ठ सेवा कार्यों पर पानी फेरते हुए अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य से विमुख होकर पुलिस थाना परिसर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। और देवगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। नगर पालिका मंडल देवगढ़ के सभी कर्मचारी मारपीट के प्रकरणों में आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई को लेकर पिछले चार दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 17 सितंबर 2020 को उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासन कृष्ण गोपाल माली के दिशा निर्देश अनुसार कोविड 19 के बढ़ते मामले को रोकने के लिए बिना मास्क पाए जाने वाले नगर वासियों के चालान काटने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान तीन नामजद आरोपियों द्वारा चालान की कार्यवाही का विरोध किया गया, जिसमें कठोर कार्यवाही को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और इसी के साथ 10 माह पूर्व नवंबर 2019 में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान राज्य कार्य में बाधा को लेकर जो मामला दर्ज करवाया था उसमें भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अपनी मांगों को लेकर अड़े थे। उक्त मामले में देवगढ़ पुलिस थाना अधिकारी नाना लाल सालवी द्वारा उचित कार्रवाई कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उक्त मामले को लेकर मंगलवार से नगर पालिका के कार्मिक प्रतिदिन हड़ताल पर बैठने का क्रम तय किया।